నిన్న ఒక్కరోజే రికార్డు స్థాయిలో కరోనా వాక్సినేషన్ జరగడంపై ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు గుప్పించాయి. దీంతో ప్రతిపక్ష నేతలపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. ఇవాళ గోవా వైద్య సిబ్బంది ఆరోగ్య కార్యకర్తలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడిన ఆయన టీకా వల్ల కలిగే దుష్పరిణామాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఇదే క్రమంలో రాజకీయ పార్టీలకు వ్యాక్సిన్ దుష్పరిణామాలు తలెత్తుతున్నాయంటూ ఎద్దేవి చేశారు. నిన్న రికార్డు స్థాయిలో వ్యాక్సినేషన్ జరిగిందని తెలిసి రాజకీయ పార్టీలకు జ్వరం పట్టుకుందంటూ సెటైర్లు వేశారు మోదీ. ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है. साथियों, कल का आपका जो अचीवमेंट है ना, वह पूरे विश्व में सिर्फ वैक्सीनेशन के आंकड़ों के आधार पर नहीं, भारत के पास कितना सामर्थ्य है इसकी पहचान दुनिया को होने वाली है. और इसलिए इसका गौरवगान हर भारतीय का कर्तव्य भी है और स्वभाव भी होना चाहिए. साथियों, मैं आज मेरे मन की बात भी कहना चाहता हूं. जन्मदिन तो बहुत आए, बहुत जन्मदिन गए, पर मैं मन से हमेशा इन चीजों से अलिप्त रहा, इन चीजों से मैं दूर रहा हूं. पर मेरी इतनी आयु में कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था. जन्मदिन मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से मनाते भी हैं, और अगर मनाते हैं तो कुछ गलत करते हैं, ऐसा मानने वालों में मैं नहीं हूं. लेकिन आप सभी के प्रयासों की वजह से कल का दिन मेरे लिए बहुत खास बन गया है. मेडिकल फील्ड के लोग, जो लोग पिछले 1.5-2 साल से दिन रात जुटे हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना से लड़ने में देशवासियों की मदद कर रहे हैं, उन्होंने कल जिस तरह से वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर दिखाया है वो बहुत बड़ी बात है. हर किसी ने इसमें बहुत सहयोग किया है. लोगों ने इसे सेवा से जोड़ा, ये उनका करुणा भाव, कर्तव्य भाव ही है जो 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा सकी. और मैं मानता हूं वैक्सीन के हर एक डोज एक जीवन को बचाने में मदद करती है. 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इतने कम समय में इतना बड़ा सुरक्षा कवच मिलना बहुत संतोष देता है. जन्मदिन आएंगे जाएंगे, लेकिन कल का ये दिन मेरे मन को छू गया है, अविस्मरणीय बन गया है. मैं जितना धन्यवाद अर्पित करूं वो कम है. मैं हृदय से प्रत्येक देशवासी को नमन करता हूं, सभी का आभार जताता हूं.